आज मैं बहुत खुश हूं। आज हमारे टीम में एक नए मेंबर की एंट्री हुई है जो कि आप यहां पे डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। ये है हॉलीलैंड का लार्क M1 वायरलेस माइक, जिसे मैंने परचेज किया है अभी हाल के दिनों में, और इससे आपके इस भाई के चैनल की वीडियो की क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में। और एक बात और, ये मैंने खुद के पैसे से कमाया है जो मैंने यूट्यूब से कमाया है। तो इसलिए कोई बंदा यदि ऐसा सोच रहा है कि मेरे चैनल पर तो अभी 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं और मैंने कैसे इतना महंगा वायरलेस माइक परचेज किया, तो मैं उनके लिए बता दूं, मेरे पास ऑलरेडी एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है जिससे मेरी अच्छी खासी मंथली अर्निंग हो जाती है, और उसी के बाद मैं कुछ भी खरीद पाता हूँ। आपको तो पता होगा, यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि मेरे पास ऑलरेडी यूट्यूब के कमाई से मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे कि जिससे अभी ये वीडियो शूट हो रहा है वो एक DSLR है, मेरे पास एक आईफोन भी है, प्लस मेरे पास एप्पल का मैकबुक एयर है M1 वाला, और साथ में मेरे पास अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे पास माइक है जो कि बहुत सारे वेरिएंट में, जैसे कि ये जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ ये है रोड का एक वीडियो माइक्रो माइक, और इसके साथ साथ मेरे पास ऐसे बहुत सारे माइक है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने ऑडियो को इनहेंस करने के लिए। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि ये माइक मैंने क्यों लिया, क्यों नहीं मैंने इसके बदले में रोड का माइक लिया जो कि ऑलमोस्ट इसी के प्राइस के आसपास का आता है, और ऐसे बहुत सारी बातें जो आपको इस माइक के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा एंजॉय आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं इसके साथ। सबसे पहले तो आप इसका डब्बे का जो क्वालिटी है वो देख लो, और अब मैं इसे आपको दिखाता हूं अपने इस एप्पल के वीडियो कैमरे के पीछे से। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैंने यहां पे अपने इस माइक के डब्बे को दिखा रहा हूं, जहां पे आपको इसका नाम दिख रहा होगा हॉलीलैंड, जो बिल्कुल इंडिया में एक नया प्रोडक्ट है, और इसमें आपको दिख रहा होगा लार्क M1 लिखा हुआ, जिसमें आप साथ देखेंगे डिजिटल वायरलेस माइक्रोफोन, और इसकी जो 2.4 GHz में ये आवाज को रिकॉर्ड करता है। अब इसके बाद आप यदि यहां पर ध्यान से देखोगे, हियर क्लियर स्मार्ट NC पोर्टेबल चार्जिंग केस, लाइट एंड कॉम्पैक्ट एंड हाई क्वालिटी ऑडियो जो कि 48 kHz से लेकर 16 bit तक का आपका इसमें करता है। यदि पीछे की बात करूं तो इसमें इसकी प्राइजिंग वगैरह आपको लिखी हुई, प्राइजिंग में आपको वीडियो को लास्ट में बता दूंगा। अब बात करते हैं मेन इक्विपमेंट की, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो, ये रहा आपका वो केस जिसमें आपको हॉलीलैंड का मार्क M1 दिखता है, और इस केस की क्वालिटी भी बहुत सुपर है, ये एक थोड़ा सा कपड़े वाला फिनिश के साथ आता है, और ये रहा मेरा मेन इक्विपमेंट। यदि मैं बात करूं अपने इस माइक की डब्बे की, तो ये माइक आप देख सकते हो कितने बड़े साइज में आता है, और यदि बात करूं इसके अंदर क्या क्या मिलता है, तो आपको दो मिलते हैं माइक, इस तरह के माइक आपको दो देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये इजीली आपको देखने को मिल रहा होगा, और तीसरा है आपका रिसीवर ट्रांसमीटर, ये आपको तीन चीज में आपको देखने को मिलता है। और ये बात करेंगे केस की, तो ये केस बहुत ही खूबसूरत है, इसे आप टाइप सी से चार्ज भी कर सकते हो, दूसरा कि आप हरेक इंडिविजुअल जो भी आप यहां पर रिसीवर और ट्रांसमीटर देख रहे हो उसे भी आप इंडिविजुअली आप टाइप सी से चार्ज कर पाओगे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। और इसमें एक डेडिकेटेड बटन भी है जिससे आप अपने हैंडसेट में इस माइक के थ्रू आप नॉइज कैंसलिंग को यहां पे ऑन या ऑफ करेंगे, जैसे आप इसे दबाएंगे आपको ये ग्रीन दिखेगा, जैसे आप नॉइज कैंसलेशन ऑफ करेंगे ये वापस से ब्लू में आ जाएगा। तो इसका हम यहां पे आपको लाइव टेस्टिंग करके दिखाएंगे, अब बताना है आपको आवाज कैसा लग रहा है। अब मैं यहां पे इसकी आपको मैं लाइव टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूं, जिससे आपको ये चीज पता चलेगा कि इसकी साउंड क्वालिटी इस रोड वाले वायर वाले माइक से कितना अलग है। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वायरलेस माइक को अपने इस टी शर्ट में लगा लिया है, और ये आपको इस तरह का लुक एंड फिनिश आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको अलग से भी विंड को रोकने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ आप यहां पे देख सकते हो ये आपका दूसरे वाले के लिए आपको विंड नॉइज को रोकने के लिए इसमें विंड फर देखने को मिलता है। बात करेंगे आपको इस डब्बे में और क्या मिलता है, तो इसमें आपको मिलता है दो केबल। पहला केबल से आप इसे अपने कैमरे के साथ DSLR के साथ मिररलेस कैमरे के साथ आप इसे अटैच कर पाओगे, और दूसरा आपको मिलता है इस तरह का केबल जिसे आप अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपको दोनों चीज मिल जाता है, दोनों केबल मिल जाता है, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है आप अभी इसी से इस वीडियो के आवाज को सुन रहे होंगे। आप कमेंट करके बताओ आपको ये आवाज कैसा लग रहा है। यदि आपको आवाज इसकी पसंद आ रही है तो इसका मतलब कि मैंने इस वायरलेस माइक को खरीद के मैंने सही किया। हॉलीलैंड का लार्क M1 इसका नाम है। आप जब इसे अमेजन पे सर्च करोगे तो वहां अभी भी आपको ये नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा। जो लोग बेच रहे होंगे वो इससे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस करके बेच रहे होंगे, और यदि आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदेंगे तो कहीं जाके आपको ये सही प्राइस पे देखने को मिल जाएगा, और इसका जो सही प्राइस है
वो है अभी के टाइम में ऑफर के साथ अभी मिल रहा है, नहीं तो वरना इसका प्राइस जो है वो अभी 27,000 से 30,000 तक के बीच में जाता है। लेकिन अभी क्योंकि ये इंडिया में इस कंपनी ने अभी नया नया इस वायरलेस माइक को इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए इसका प्राइस अभी है सिर्फ और सिर्फ 16,000 समथिंग रुपए। और मैं आपको पहले बता दूं, जो लोग हॉलीलैंड के लार्क M1 को नहीं जानते, तो मैं बता दूं हॉलीलैंड एक बहुत पुरानी कंपनी है जो अभी वीडियो ट्रांसमिशन के इक्विपमेंट पे काम करती है और बहुत सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड के मूवीज में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी ये ऑडियो के सेगमेंट में अभी नई नई उतरी है और इसीलिए इसने अपना जो पहला प्रोडक्ट निकाला है वो है यूट्यूबर को ध्यान में रखते हुए लार्क M1। इसमें आपको साउंड के 3 मोड देखने को मिलते हैं, ये है हमारा हाई मोड पे, दूसरा आता है मीडियम और तीसरा आता है लो मोड पे। आपको अपने कैमरे के हिसाब से, आपको अपने साउंड के बोलने के अंदाजे से आपको इसे अपने मोड पे सेट कर लेना है कि आपको लो चाहिए या मीडियम चाहिए या फिर हाई चाहिए। मैं हमेशा हाई वॉल्यूम को ही प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने इसे अभी हाई सेटिंग पे प्रीसेट किया हुआ है। और मैं बता दूं ये प्रोडक्ट अब आपको आने वाली मैक्सिमम वीडियोज में इसकी ही आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है, इसका डिमेरिट मुझे ये लगता है कि आप इसमें अलग से एक लेवियर माइक लगा के इस तरह से आप यहाँ पे माइक पे मतलब कॉलर पे आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे, जो कि एक डिमेरिट मुझे लगता है। क्योंकि रोड वाले माइक में आपको एक एक्स्ट्रा लेवियर माइक लगाने का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसका कहीं कहीं आपको फायदा मिल जाता है। और इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर हैं, यदि आप इस फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पुराने चैनल रिव्यू पे आपको जाना होगा और इसके बारे में आप टोटल फीचर को देख सकते हैं। उसका चैनल का लिंक, जो मेरा पुराना चैनल है रिव्यू, उसका चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप जाकर के डायरेक्ट इसके फुल रिव्यू को देख सकते हैं। और यदि आपको पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये माइक? यदि आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके थैंक यू या फिर या कॉन्ग्रेचुलेशन आप कर सकते हैं। और यदि मुझे कोई कमेंट पसंद आ गया तो मैं एक माइक अपने सब्सक्राइबर को गिव अवे के तौर पर दे दूंगा और इसका अनाउंसमेंट मैं करूंगा 31 दिसंबर को। तो इसीलिए जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, वो भी प्यारे प्यारे, वो इस माइक को जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी तरह से देखते रहिए। अभिषेक सिन्हा, जय हिंद, वंदे मातरम।